हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। UPSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बार फिर हम एक नई अपडेट्स लेकर आप सभी के सामने हाजिर। UPSC जूनियर असिस्टेंट के 548 पदों पे आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है, जिनमें कि 3 प्रश्नों के नंबर सभी अभ्यर्थियों को देने का फैसला लिया गया है। 3 अभ्यर्थियों में उन 3 प्रश्नों के ज़्यादातर अभ्यर्थियों के प्रश्न सही हैं, जिसमें बहुत कम अभ्यर्थियों के नंबर, बहुत कम गिनती से मुश्किल से आपको 50 लड़के मिले जिनके सभी 3 प्रश्नों के नंबर बढ़े हों, अन्यथा किसी के 1-2 और ज़्यादातर अभ्यर्थियों के 1 भी नंबर नहीं बढ़े, क्योंकि ये उन प्रश्नों के नंबर सबको दिए हैं जिसका प्रश्न जिसका सवाल सभी ने किया था और जिसका नंबर सभी को मिलना था। यानी कि सरल सवाल के प्रश्न नंबर सभी को दे के अपनी ये खाना पूर्ति किए हैं और कुछ किया नहीं गया है। कट ऑफ मार्क्स इतने हैं तो टाइपिंग करो। जी हैं, कितने कट ऑफ मार्क्स आपके हैं कि टाइपिंग आप करना शुरू कर दें, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की के बाद 3 क्वेश्चन बढ़े हैं, यानी कि 1.5 नंबर बहुत होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी फाइनल जाएगी। 15 अगस्त के बाद रिजल्ट, सितंबर में टाइपिंग। जी हाँ, 15 अगस्त के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा निश्चित तौर पे। जो लोगों का कितने मार्क्स से अधिक है वो टाइपिंग करना दिन रात शुरू कर दें, क्योंकि उनका एकदम टाइपिंग के लिए बुलाना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 अगस्त को नोटिस जारी करके यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2016 द्वारा विज्ञापित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर 31/5/2019 को लिखित परीक्षा के उपरांत पुस्तिकाओं के 8 सीरीज के संबंध में औपबंधिक उत्तर कुंजियों का अनुशीलन करने तथा औपबंधिक उत्तर कुंजियों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए संदर्भ ग्रहण करें। 4 जून को उत्तर कुंजी अपलोड की गई थी, जिसके प्रश्न में 3 प्रश्नों पर आपत्तियां वैध पाई गई हैं। इनके लिए उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित उत्तर कुंजी में 3 नंबरों के मार्क्स दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किन प्रश्नों में सभी अलग अलग उत्तर कुंजियों में सबको नंबर 3-3 नंबर मिल गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, AA में जैसे 33, 34 और 61 के मिले हैं, इसी प्रकार से हमने मिलान कर लिया होगा कि अलग अलग उत्तर कुंजियों में किसके कितने नंबर्स मिले हैं। तो उस पर हम ज़्यादा बात ना करके हम कट ऑफ पे बात करते हैं कि कितना कट ऑफ इस बार जाएगी रिवाइज्ड आंसर की के बाद। देखिए, सब सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसके बाद बहुत कम अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं, पूरा 1.5 का 1.5। तो चलिए हम बताते हैं कि अब कितनी कट ऑफ जाएगी। जनरल की अभी तक हमने कट ऑफ बता रही थी जो कि 28 हमने नॉर्मल बताई थी, और कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी यहाँ पे 1 नंबर, तो 29 नंबर अंतिम कट ऑफ होगी और यही फाइनल कट ऑफ होगी जनरल की, ये देख लीजिएगा आप। इससे अधिक 1 नंबर की कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ अभ्यर्थियों का। अब OBC के अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो OBC की भी कट ऑफ 29 नंबर जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे जनरल की पोस्ट ज़्यादा है तथा OBC की करीब 130 के करीब है, तो जनरल OBC कट ऑफ 29 नंबर से अधिक नहीं जाएगी किसी भी हालत में। जिन लोग के नंबर इससे अधिक बन रहे हैं वो लोग टाइपिंग हमारी बात अगर मान सकते हैं तो मान लें और टाइपिंग करना शुरू कर दें बिना लापरवाही के, नहीं तो आपको रिजल्ट के बाद टाइपिंग का समय नहीं मिलेगा और आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप टाइपिंग शुरू करें 29 नंबर से अधिक सभी जनरल OBC वाले। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं रहेगा, 28 नंबर इनकी कट ऑफ जाएगी। जनरल OBC 29, SC 28। ST की बात करते हैं तो ST के यहाँ पे कट ऑफ रहेगी 22 नंबर। तो आपने देख लिया, SC 28, ST 22, जनरल OBC 29। अब महिलाओं की बात कर लें, यहाँ पे महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पे आपकी रहेगी 27 नंबर। तो अब ये हमने सभी कैटेगरी कट ऑफ बता दी है, जनरल OBC 29,
एससी और महिला लगभग 27 नंबर, एससी एसटी 22 नंबर। तो ये कट ऑफ रही आपकी, अगर इससे अधिक नंबर बन रहे हैं तो आप आज ही से अभी से तुरंत टाइपिंग शुरू कर दें, अन्यथा आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं मिले, क्योंकि समय रिजल्ट आने के बाद आपको नहीं मिलने वाला। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को मानेंगे, जिनके भी इससे अधिक, और एक चीज़ और मैं आपको पुष्टि कर दूं कि इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी, बाकी कोई कुछ भी बोल रहा हो आप मान लीजिए। आप यहाँ पे बैकलॉग की बात कर लेते हैं, बैकलॉग का एक कट अनुमान आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक सीट पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई थी, यहाँ पे एक सीट में कम लड़ाई है उसके मुकाबले। वहाँ पे जनरल की सीटें नहीं थी, जितने ओबीसी थे वहाँ पे सारे जनरल में फाइट, सारे ओबीसी एससी एसटी सबकी अलग अलग मेरिट बनी, पे जनरल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर निश्चिंत रहें, यहाँ की कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर सीटें जनरल की ज़्यादा हैं तो यहाँ पर कट ऑफ, और पिछली बार के मुकाबले पेपर आप सभी को पता है कि कितना भी कम, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि चार नंबर, तो चार प्रश्न तो एकदम मिनिमम आप मान लें, तो चार प्रश्न तो पिछली बार से कठिन थे। तो चार प्रश्न का मतलब 31-2, यहाँ पे सीट भी ज़्यादा है, तब भी आप चार नहीं दो भी मानेंगे तो यहाँ पे सीट ज़्यादा है, उसका भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा उपस्थित नहीं होते पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार 115 सीटें थी, 58,000 अभ्यर्थी थे, यानी कि आप जोड़ सकते हैं कि एक सीट पर 580 लड़के लगभग बैठ रहे थे, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 548 सीटें यानी 550, और यहाँ पे करीब आपका एक सीट पे, और यहाँ पे अभ्यर्थी 92,000 उपस्थित हुए थे। तो आप जोड़ सकते हैं कि 5-10 आप करीब 150 अभ्यर्थी एक सीट पे बैठ रहे हैं लगभग। तो वहाँ पे 500 आप एक सीट पे 500, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 150, यानी कि लगभग 3-4 गुणों का डिफरेंस सेम ही पड़ जाए। तो निश्चिंत रहिए, इतने इससे ऊपर वाले टाइपिंग शुरू करें, निश्चिंत होकर आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो लोग 34, 35, 36, 37, 38 तक फेंक रहे हैं उनको फेंकने दीजिए, निश्चिंत होकर आप अपना काम करिए, और क्या कर रहे हैं उनसे ध्यान न दीजिए। तो ये रही अपडेट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट्स, नई उमंग, नई तरंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।